गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग हो बी आर डूइंग ग्रेट। तो आज है वेकिंग अप एट 5 AM चैलेंज का day 4 एंड आज है संडे एंड हमारा समर हॉलीडे भी स्टार्ट हो गया है। तो अब भी टाइम हो रहा है 5:20, जैसे कि आप देख सकते हो मैं 5 बजे उठ गया था। एंड हाँ, आज हम जा रहे हैं पैंगोंग त्सो घूमने के लिए। वनचोक रिगजिन सोस्पेल एंड एक भैया हमारे दोस्त हैं। तो हाँ, हमारे पास है 2 बाइक हिमालय, हमने रेंट पे लिया था। तो हाँ, आज हम जाने वाले हैं एंड अभी मैं बस कुछ खाने के लिए नीचे आया हूँ। हम 6 बजे निकल जाएंगे 6 के पहले। तो हाँ, अभी कुछ खाते हैं घर पे। गाइस, आज बहुत मज़ा आने वाला है, तो चलो। मैं बस घर से निकल रहा हूँ, बाइक को स्टार्ट किया, तो चलो। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए हमारे साथ जाने वाले भैया, चलो। यहाँ से हम जा रहे हैं रिगजिन सोस्पेल को लेने सबू साइड। हेलो 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 सर, चलिए तो चलो पेट्रोल ले पेने तो। चेक इट आउट गाइस, यहाँ पर सुबह सुबह एक्सीडेंट हुआ है। ये सुबह हुआ या शाम को हुआ हमें पता नहीं, बट ये एक डस्टर है, पलट गया है पूरा। अभी हम पहुँच गए हैं ले मनाली हाईवे पे एंड अभी हम पहुँचने वाले हैं शे एंड इस जगह का नाम है सिंधु घाट। पैलेस जैसे कि आप देख सकते हो। अभी हम पहुंच गए हैं खारू, यह है खारू बाजार, खारू मार्केट जैसे कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ से पेंगोंग लेक का सफ़र है और 80 किलोमीटर्स का, तो चलो। जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम पहुंच गए हैं शिमरे विलेज एंड ये है मेरा विलेज। एंड समर में ये बहुत ही सुंदर दिखता है जैसे कि आप देख सकते हो।
Check out the view, guys. It's amazing. And अभी हम यहाँ पर थोड़ा rest कर रहे हैं. अभी हम चंगला पास पहुंच गए हैं. तो ये है चंगला पास एंड बहुत ही ठंड है. उतना तो नहीं है बट ठंड है. आप को ठंड लग रहा है. नेक्स्ट दिन होगा ये गया हूँ. ये पास है 17,586 फीट पे. वर्ल्ड 10th हाईएस्ट मोटरेबल पास चंगला पास. व्यू इज लाइक इट्स अमेजिंग यार. कैसा लगा भैया? बहुत ही बढ़िया. बहुत ठंड है. फाइनली थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा है. मौसम भी गर्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा. दिस सीन्स गाइस. वो लोग तो पीछे छूट गए हैं. पता नहीं हम लोग पहले आ गए. यहाँ पर हम थोड़ा रुके. यहाँ पर एक ढाबा भी है. एंड चेक आउट दिस गाइस. याक है या जो है मुझे पता नहीं बट याक जैसा लग रहा है. तो यहाँ पर हम ढाबे पे आए हैं कुछ खाने के लिए कुछ पीने के लिए. एंड चेक आउट माय हेयर. ऑर्डर किया जिंजर लेमन टी एंड भैया ने ऑर्डर किया ब्रेड ऑमलेट. अभी हम पहुंच गए हैं दुर्बुक. चेक आउट. यहाँ पर थोड़ा वेट कर रहे हैं. अतुल चलो चलो बढ़ते हैं आगे सफर में. एंड ये है दुर्बुक का मार्केट. तो यहाँ से पेंगोंग तक का है किलोमीटर और लाइक 40-50 किलोमीटर और बचा होगा यहाँ से अप्रॉक्स.
हम पहुंचे हैं यहाँ से, पैंगोंग का थोड़ा व्यू दिख रहा है, तो उसका तो अभी राइड कर रहे हैं भाई, तबाही मचा रहे हैं मतलब, इंजन ब्रेकिंग बहस किया क्या मारता है। कितना सुंदर है, वाओ जस्ट ब्रेथ टेकिंग यार, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, बहुत सुंदर है गाइस, बहुत ही सुंदर। एंड आगे से गाड़ी भी आ रहा है, mesmerizing view, wow, time zone sir bhai, guys time ho raha hai 10:11, hum nikle the late se 6:30, bas maza aaya, jangla pe thoda thand tha, jangla pahunche pahunche आगे चलते हैं, तो हम तो आगे आ गए यहाँ पर। कैसा लगा भैया, मज़ा आया? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया यार, पंगोंग का व्यू तो कुछ अलग ही है, पानी का कलर तो थोड़ा सा पास जाते हैं चौके। अभी हम थोड़ा यहाँ पर फोटो शूट करेंगे एंड थोड़ा यहाँ पर नज़ारा एंजॉय करेंगे, फिर इसके बाद हम लंच तो यहाँ पर नहीं करेंगे, अभी तो वैसे 10 ही बज रहा है लंच के लिए, तो वहीं दुर्बुक बाज़ार जाएंगे, वहाँ पर लंच करेंगे एंड बस ये व्यू चेक करो गाइस, इतने सुंदर तरीके से आ रहे हैं। जंबो बांजी तंग का जंबो क्या यार सर है, हमने फोटो शूट वीडियो वीडियो बना लिया एंड कुछ लोग भाग रहे हैं यहाँ से वीडियो बनाते ही, तो मजा आया, सबसे बढ़िया तो व्यू है बस पेंगोंग लेक, एंड रास्ते में भी बहुत मज़ा आया, रास्ता बहुत ही अच्छा था वैसे, पूरा स्मूथ था, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा रफ था बस, ऊपर उछाला बाइक में से 1 फीट ऊपर उछाला ज़्यादा कितना सुंदर है गाइस, देखो ना थोड़ा, इट्स लाइक अ थेरेपी, ओ प्रभु यहाँ से लंच, वैसे दुर्बुक जा रहे हैं लंच करने के लिए, तो हाँ
चलते हैं, चलो चले विदा, बाय बोलते हैं पेंगोंग लेक को, बाय बाय। या पेंगोंग दो बार मार चुका हूँ इससे पहले, एक बार मेरे स्कूल ट्रिप पर एंड एक बार मैं जब छोटा था लाइक 5 to 10 years का था तब मैं यहाँ पर आया था फैमिली के साथ। बट फिर भी जब भी यहाँ पर आता हूँ कुछ अलग सा लगता है, सुकून मिलता है। देखो स्कूटर का खेल फूट गया फटाफट। तो यहाँ पर है याक, तो क्या चीज़ तांसे ना स्कोर थी। आज का मौसम तो बस सही है, बेस्ट है क्योंकि क्लाउड्स भी है एंड सन भी आ रहा है एंड ठंड भी नहीं है, गर्मी है बस, मजा। मौसम है बड़ा सुहाना। तो अभी हम पेंगोंग से निकल रहे हैं दुर्दुक के लिए, वहाँ पर लंच करेंगे। तो चलो तो चेक करो गाइस, हम दुर्दुक अभी पहुँचने वाले हैं। अभी हम थोड़ा यहीं पर रुक गए हैं क्योंकि थोड़ा कुछ कैप्चर करना था नज़ारा एंड इतना सुंदर है एंड अभी ले इन सब कुछ चाहते हुए बाबा को शौक। दुर्दुक पहुंच गए हैं तो यहाँ पर लंच करते हैं कुछ, फिर हम निकल जाएंगे ले के लिए। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, बटर चिकन राइस एंड अभी रोटी आने वाला है तो खाते हैं ऐसे। तो गाइस हमने खाना खा लिया, अब हम निकल गए हैं दुर्दुक से, तो चलो। तो अभी हम फिर से यहाँ पर रुक गए, चेक आउट द व्यू गाइस, बहुत ही सुंदर है यहाँ पर, येलो फ्लावर पर पिंक फ्लावर एंड ऊपर भी है। आप यहाँ से ले तक होगा लाइक 80-90 kilometers अभी और। Check out, guys. तो देखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा लेक है बट बहुत सुंदर है।
फोटो फोटो वीडियो वीडियो लेने। तो ऐसे अभी हम लेक के सामने एक गियर शिप छोटा सा ये चलाएंगे हम। छोटी दवा तो हम व्हाइट वाला ले जा रहे हैं, पैडल मारने वाला है। चल दो टाइटैनिक क्यों ना यहाँ से ये मोड़ने वाला है। यहाँ पर कुछ बांधा हुआ है इस शिप को रस्सी से, तो कुछ वो निकाल रहा है। एंड रिगजिन जसपेल और भैया दोनों गए, वो लोग इस मजे का लुत्फ उठा नहीं सके। क्या करें, जल्दी में थे वो लोग, हम तो आराम से जा रहे थे। आराम से स्लो, बट मज़ा आया। स्लो ही स्पीड क्यों चलाना ना, रिस्क। अभी हम वहाँ से घूम कर आएंगे, बट इसमें थोड़ा जोर लगता है पैदल में। अभी से थक गया मैं तो, वहाँ लग गया। लगता स्प्रेड से संग इसका चलो, एक तरीके का वहां पर एक बर्ड। Başak falan durdu ya. Lekor çöndür diyor. Tırırtırı. O me bi. O da he esal tabi. Hamara şip yahan par stuck ho gaya. And kunçuk ja raha abhi yahan dhakka dene. कैप्टन जल्दी जाओ। कैप्टन मैं जा रहा हूँ, मैं ये खट्टा खेता जिन दूर अच्छा में रील 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 भाई रील ये माता ये था। Oh, nice, nice. Tırım ben bu. Real, real, real. Tırım real. Bu da aşıyor, aşıyor. Tantan, ne yapar, tek çalım. Bu da iyi katta, bu da sonrasın. Mağaz da tanım. Mağaz da Ham pas gaya hai yahan par jab. Ye pigma bro bhai. İyi değil, değil. भाई रेस्क्यू 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 टीम, लेट्स गो। मजा आ रहा है बहुत ही, सबसे मजेदार तो ये है। लेट्स गो लेट्स गो, मेहनत करो भाई।
टेक इट आउट गाइस, गीला हो गया पूरा। अब मुझे चांगला पास से भी जाना पड़ेगा एंड ठंड होगा, ये सब कुछ जैसे और देखो इसको चेक ये भैया यहाँ पर एक रस्सी था जो शिप को यहाँ पर बांधने का काम करता था, वो पानी में फेंकते फिर मैं लेने के लिए किनारे गया तो फिसल गया पूरा अंदर। अब बस ठंड ना हो, इस लेक का नाम है छुलतक लेक, आप आ सकते हो यहाँ पर शिप चला सकते हो, बहुत ही मज़ा आता है। एजुलेन अब देखते हैं तो चलो गाइस हम वापस चंगला पास पहुंच गए, तो चलो गाइस हम ले वापस पहुंच चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं जीरो भाई जय में जीरो जय रोंग पहुंचने वाले हैं। कुंचों को उसके घर छोड़ दिया एंड अभी मैं जा रहा हूँ जोड़िए से घर, क्योंकि उसके फ़ोन में मेरा एक वीडियो है लाइक एक ब्लॉग है जो मैंने आईफोन 13 में था, तो मैं वो आईफोन 13 भेज रहा था इसलिए उस वो ब्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि उसके फ़ोन में डाल लेते, तो इसीलिए फ़ोन में तो आज उसके फ़ोन से इसमें ट्रांसफ़र करने मुझे जाना है, तो उसके बाद मुझे पोस्ट भी करना है वो वाला ब्लॉग, तो चलो चलते हैं। तो अभी आया हूँ जॉर्जियस के यहाँ एंड ट्रांसफ़र कर दिया ब्लॉग वीडियो को, वो एक ब्लॉग था, तो इस वीडियो में यही था इस ब्लॉग में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, हमें तो बहुत ही मज़ा आया गाइस बहुत ही ज़्यादा, तो कल जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।